ओवरनाइट यहाँ से क्यों इंदौर जा रहे हैं, क्या कारण है और क्या क्या इसके पीछे कारण है, सब आपको एक एक करके पता चल जाएंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये बस स्टैंड, यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सभी लोग साथ में, दोस्त लोग कुछ खड़े हुए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। फिर आपको पूरी ट्रेन जर्नी भी दिखाएंगे, ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी। बने रहिएगा ब्लॉग में और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है 22192 जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस में। आज हम लोग यहाँ से नरसिंहपुर से जहाँ से ट्रेन का डिपार्चर 12:33 पर है, यहाँ से हम लोग ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं और इसके बाद इंदौर तक की जर्नी पूरी आपको दिखाई जाएगी। स्टूडेंट्स की एक्सप्रेस बोला जाता है ओवरनाइट एक्सप्रेस को भी और नर्मदा एक्सप्रेस को भी। स्टूडेंट स्पेशल ट्रेन है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, उनका आना जाना इस ट्रेन से होता है। एक्चुअल में टाइमिंग भी इसकी ऐसी है कि रात में 12 और जबलपुर से 11 ये निकलती है और आपको सुबह 10 इंदौर पहुंचा देती है। तो ये आपके टाइम के हिसाब से जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस, जिसमें हम लोग अभी बोर्ड कर चुके हैं। आज हम सफ़र कर रहे हैं 3 में, 3rd AC, और अभी हम लोग नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर है। हम लोग ट्रेन बोर्ड कर चुके हैं, सामान वगैरह रख दिए। जॉब करने वाले, पढ़ाई करने वाले इंदौर भोपाल में, सभी लोग इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं क्योंकि रात में निकलते हैं और सुबह सुबह अपने टाइमिंग पर सभी लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो बने रहिएगा, इस ब्लॉग में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी और इसका नरसिंहपुर से डिपार्चर, बाकी सभी स्टेशन से अराइवल और डिपार्चर दिखाया जाएगा और क्या क्या सामान है, कैसी सुविधाएँ हैं, सब कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। बने रहिएगा शिवांग पाठक ब्लॉग में, पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस डिपार्चर फ्रॉम नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन, बहुत ही अंधेरा है रेलवे स्टेशन पे, नॉर्मली रहता नहीं है, पता नहीं आज स्ट्रीट लाइट वगैरह शायद चालू नहीं है कुछ। गाइस करंट टाइम हो रहा है 3:13 सुबह का AM और 3 लेट ट्रेन पहुंच रही है इटारसी जंक्शन, और बीच में 1 लेट हो गई थी ट्रेन, लेकिन टाइम कवर कर लिया है और मैं बहुत थक गया था तो कुछ आराम कर रहा था। बीच में कुछ स्टेशन हैं जो स्किप किए, फाइनली रीच्ड इटारसी जंक्शन। थ्री थर्टीन पर हम आउटर पर पहुंच चुके थे और आप देख सकते हैं अभी करंट टाइम हो रहा है 3:16, 3:16 पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन लग रही है। तो गाइस फाइनली हम लोग इटारसी जंक्शन पर पहुंच चुके हैं, पहले भी आपको बताया कई बार यहां से हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। लगभग 420 ट्रेन पर डे यहां से निकलती हैं, कुछ थ्रो भी होती हैं राजधानी एक्सप्रेस और बड़ी बड़ी जितनी भी ट्रेन्स हैं, बहुत सारी ट्रेन्स जो इलाहाबाद रूट को टच करती हैं वो बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ से निकलती हैं। और अभी हम लोग इटारसी पहुँच चुके हैं, मैं कुछ थक गया था उस कारण से आराम कर रहा था। उस बीच में करेली गाडरवाड़ा पेपरी स्टेशन स्किप किए मैंने, उसके बाद अभी हम लोग सीधे इटारसी जंक्शन पर पहुँच चुके हैं। करेंट टाइम 3:18 हो रहा है और ट्रेन की यहाँ से
एक्सपेक्टेड डिपार्चर है 329, लगभग 15 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है। यहाँ पर इंजन वगैरह, स्टाफ वगैरह ये सब चेंज होगा। नर्मदा एक्सप्रेस उज्जैन रूट को फॉलो करती है और ये डायरेक्ट जाती है। नर्मदा एक्सप्रेस 2 घंटे पहले नरसिंहपुर से डिपार्चर होता है उसका, बट उसके बाद भी 1 घंटे पहले ओवरनाइट से आप इंदौर पहुँच सकते हैं। अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो आप ओवरनाइट को प्रेफर करें। अगर आप थोड़ा सा लेट या उज्जैन रूट को फॉलो करते हैं तो आप नर्मदा एक्सप्रेस को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग इटारसी जंक्शन पर पहुंच चुके हैं और 329 पर यहां से इसका एक्सपेक्टेड डिपार्चर है। और बाकी जानकारियों के लिए बने रहें सेवांग पाठक ब्लॉग से साथ। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी सभी लोग सो चुके हैं लेकिन अब 1K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। साथ में बने रहिएगा, आप लोगों का प्यार है जो ये सब करने के लिए मोटिवेट करता है। साथ देते रहिएगा, बने रहिएगा। डिपार्चर ऑफ गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस। इटारसी जंक्शन अराइवल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर नगर नागपुर एक्सप्रेस। गाइस आपको दूर दिख रहा होगा एक ट्रेन से चुका है। डिपार्चर फ्रॉम इटारसी जंक्शन जनरल में कितनी ज्यादा भीड़ है। गाइस अराइवल ऑफ भोपाल जंक्शन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का बज रहा है 5:30, मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। लेकिन क्या गाइस क्या नज़ारे, बैरागढ़ की तरफ बढ़ती हुई ट्रेन रानी कमलापति भोपाल जंक्शन और उसके बाद अब बैरागढ़ की तरफ ट्रेन बढ़ती हुई। सो गाइस फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच चुके हैं और ट्रेन से सब लोग डिबोर्ड हो चुके हैं। अब हम लोग भी नीचे चलते हैं। मैं अब भी उठा हूँ जस्ट जब सब लोग जा चुके हैं। देखिए पूरा बिल्कुल खाली हो चुकी है ट्रेन। अब मैं भी उठ गया हूँ, अब अपन लोग भी नीचे चलते हैं। बाकी जानकारी आपको बाहर देते हैं। गाइस फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच चुके हैं। भाई को फोन करते हैं, उसके बाद वो आएगा अभी लेने। जो भी जानकारी होगी बाकी आपको और पूरी दे देंगे, क्यों आए हैं यहाँ और क्या काम है सभी जानकारी चेक करके मिल जाएगी। स्टूडेंट्स डेस्टिनेशन इंदौर में हम पहुंच चुके हैं और आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस फाइनली मिनी मुंबई इंदौर हम पहुंच चुके हैं। आप सबका स्वागत है, देख सकते हैं आप नज़ारे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, गर्मी आज से चालू भी हो गई है, कुछ गर्मी है। बाकी ये तो एमपी में
पिछले लगभग 10 दिनों से बहुत ठंडा मौसम बना हुआ है। टेम्परेचर 19-20 डिग्री तक भी नीचे गया है। बाकी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं